दोस्तों अभी सरिस्का जंगल से हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पर करीब 8-9 किलोमीटर के आसपास एक नीलकंठ मंदिर बताया जाता है। अभी एक निकल रहा हूँ तो राजस्थान के अंदर बहुत छोटे छोटे से गांव आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कुछ अलग ही छटा नज़र आ रही है। ये देखिए बहुत ही छोटे छोटे गांव हैं, खेती बाड़ी इनका मुख्य स्रोत है, छोटे छोटे से गाँव से हैं, ज़्यादा नहीं 10-15 घर होंगे इन गाँव में बस ये, और जंगलों के बीच में रह रहे हैं ये लोग बाग। देखिए ये जंगलों के बीच में बिल्कुल जैसे हम आज के टाइम के अंदर फिल्मों में देखते हैं उसी स्टाइल में। ये देखिए सुनसान रास्ता है, बस बीच बीच में कुछ गांव नजर आते हैं। दोस्तों ये हैं आशावरी माता जी। जब हम नीलकंठ मंदिर के लिए जाते हैं तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर पहले आशावती माता जी का एक मंदिर आता है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई के ऊपर करके है, बहुत ही अद्भुत बढ़िया अच्छा मंदिर बना हुआ है। परिक्रमा अच्छा। ये परिक्रमा कर रहे हैं जी, वाह नमस्कार जी। पाइप निकालो, पाइप निकाला यहाँ से गाड़ी भी। देखो जी मोर गाड़ी भी नहीं तो जी हाँ आगे है 1 किलोमीटर ये था मोर। महाराज जी थोड़ी यहाँ की कथा बताएंगे, यहाँ की कथा बताएंगे। कौरव पांडव के समय का चीज है सब। हाँ जी थोड़ा बता दीजिए। ये सावरी माता है, आगे नीलकंठ महादेव है, एक बार भैरव बाबा है। अच्छा वहीं पर इसी रास्ते पे। हाँ इसी रास्ते में सब कौरव पांडव के समय की चीज है। ये महाभारत काल के समय की बतला रहे हैं महाराज जी, उसी टाइम की माता जी की मूर्ति विराजमान है। ये देखिए कितने सारे मोर हैं यहाँ, मैं तो पहली बार इतने मोर देख रहा हूँ। इस तरह देखो मोर को पहली बार, ये साक्षात पहली बार देख रहा हूँ भाई, फिल्मों में तो बहुत देखे हैं, यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। हाँ बहुत सारे हैं, महाराज जी आप भी। दोस्तों अब ये शकुंभरी देवी माता के आगे से हम नीलकंठ मंदिर में जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया अच्छा नज़ारा, मतलब वो तो हमें सरिस्का में भी नज़र नहीं आया, ये उससे ज़्यादा बड़ा जंगल नज़र आ रहा है हमारे को, और मोर तो ऐसे नृत्य करते नज़र आ रहे हैं, वाह जैसे कुछ अलग ही, आज तक तो हमने इस तरह के मोर नाचते हुए भी नहीं देखे, हमने तो पहली बार ही देख रहे हैं, फिल्मों में जरूर देखे हैं। ये काफ़ी छोटा और दुर्लभ रास्ता है, कच्चा रास्ता है, लेकिन मान्यता है लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ नीलकंठ महाराज और भैरव मंदिर है आगे, अब हम लोग आगे जा रहे हैं वहीं पर ही उनके दर्शन के लिए। दोस्तों हम लोग अब नीलकंठ मंदिर पहुँच चुके हैं, ये मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग वालों के अंडर के अंदर है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है महाभारत के टाइम का, ये बोर्ड लगा हुआ है ये गवर्नमेंट ने, ये देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग वालों ने इसकी देखरेख का जिम्मा उनके सिर पे है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, यहाँ के लोग बागों ने बताया ये महाभारत काल के मंदिर हैं, क्योंकि कौरव और पांडव ने यहाँ पर भ्रमण वगैरह करते थे अपने अज्ञातवास के अंदर, ये तभी के मंदिर है। ये हमारी मैडम जी और ये हमारी गोरखा जिसकी गोद में बैठ के हम लोग घूम रहे हैं, ये
चलते हैं मंदिर के अंदर। ये हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जी, ये देखिए मोर ने हमारा स्वागत किया है ये, और हम मंदिर के गेट में हैं। ये यहाँ का हेरिटेज, भारतीय हेरिटेज वालों के उनके अंडर में है भारतीय। ये देखिए बहुत ज़्यादा पुराना, महाभारत काल के अवशेष अभी भी नज़र आ रहे हैं। देखिए ये मंदिर है, ये उस तरह के यहाँ सारे अवशेष हैं। अभी आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इन जगहों के बारे में आपको भी नहीं पता है कि ये वो कौन सी जगह है। ये देखिए हम लोगों ने सिर्फ, मैंने भी कई टाइम पहले सुना था, रास्ता काफ़ी दुर्लभ है। ये देखिए कितने प्राचीन आदिकाल के, ये देखिए ये इनके अवशेष हैं जो भारतीय पुरातत्व वालों ने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। देखिए जिनको हिस्टोरिकल लोगों को शौक है वो यहाँ ज़रूर आए, और देखिए इनके पर सबके ऊपर मार्किंग की हुई है, नंबर लिखे हुए हैं। ये देखिए ये नीलकंठ महाराज जी का मंदिर है। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखिए शिला को किस तरह रखा गया है इसके अंदर, कितने सुंदर अद्भुत स्तंभ हैं इसके। चलते हैं अंदर देखते हैं। ये दोस्तों मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं, देखिए कितना अद्भुत आदिकाल समय के मंदिर है, प्राचीन वस्तुओं और हिस्टोरिकल चीज़ों में अगर जो आप लोग ये पसंद करते होंगे वो लोग यहाँ ज़रूर आए। बहुत ही अद्भुत छटा है, देखो पुरानी विशाल स्तंभ देखिए, उनके नक्काशी का काम। हम लोगों, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि लोग बाग ताजमहल को कहते हैं कि ताजमहल, लेकिन ये देखिए हजारों साल पहले भी उससे भी अच्छे काम ये लोग होते थे। ये देखिए ये मंदिर के गर्भगृह के अंदर हम लोग जा रहे हैं, और विशाल शिवलिंग इसी प्रकार का एक शिवलिंग मैंने हिमाचल के अंदर देखा था जब मैं मणि महेश की यात्रा पे गया था। ये देखिए बहुत विशाल शिवलिंग, अद्भुत। आ जाओ भैया, ये है जी प्राचीन। जय भोलेनाथ शिव शंभु। ये भाई कंटिन्यू रखना इसको, ये लो ऐसे कंटिन्यू रखना, चालू है भाई। ये दोस्तों हमने शिवलिंग का जलाभिषेक कर दिया है, और आगे अभी पूजा अर्चना थोड़ी सी करते हैं। ये देखिए बहुत ही अद्भुत, जो लोग हिंदू धर्म के अंदर हैं वो उनको इस मंदिर में जरूर आना चाहिए। इतना बड़ा शिवलिंग, दावे से कह सकता हूँ ऐसा अद्भुत शिवलिंग आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा। मैं इसको किसी तरीके से बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए अंदर की छटा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम हुआ है। जो लोग भी हिंदू धर्म के अंदर भगवान शिव को मान्यता रखते हैं इस मंदिर में भी जरूर आए। बहुत विशाल अद्भुत मंदिर है, हजारों साल पुराना। ये देखिए भगवान शिव के साक्षात दर्शन हैं, सृष्टि को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी आदि कैलाश की यात्रा में गया था, मैंने यही वाले शब्द इस टाइम भी इस्तेमाल किए थे, भोलेनाथ की कृपा से ही संसार चलता है।
ये मोक्ष के भगवान हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। ये देखिए क्या सुंदर अच्छा काम हुआ है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन जो मेरे पुराने जो बंदे पुरातत्व को देखने वाले, प्राचीन को देखने वाले, वो यहाँ जरूर आएंगे। ये यहाँ के पंडित जी हैं। मैं सभी लोगों से विनम्र एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो लोग भी सरिस्का आते हैं, वहाँ से सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही ये मंदिर है, और ये महाभारत काल के प्राचीन पांडवों के मंदिर के जो उन्होंने स्थापित किए थे, उन्हीं मंदिरों में से एक है। आप लोग यहाँ जरूर आए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत ही अच्छा अद्भुत एहसास है। हम लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, इतनी भीड़ों के अंदर जाने के बाद भी हमें दर्शन नहीं होते हैं। ये वीडियो के लिए वैसे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इनसे एक प्रार्थना की है कि जिससे आप लोग इसको आगे देख सकें इसको, और आगे इसका प्रचलित ज़्यादा हो सके। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात पे लोग बाग ध्यान देंगे और इस मंदिर के अंदर जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के पंडित जी बता रहे हैं, इस मंदिर की स्थापना अर्जुन और भगवान कृष्ण ने करी थी। ये जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ, ये बीच में सेंटर में मैं खड़ा हूँ। ये यहाँ पर ये ब्रह्मा जी हो गए, और ये बिल्कुल उनके सामने एक ही जैसे द्वार विष्णु जी, ये देखिए, और सामने स्वयं महादेव साक्षात यहाँ पर विराजमान है, बहुत विशाल और बड़े शिवलिंग के आकार में, बहुत ही अद्भुत। देखिए कितने विशाल। पुराना पुरातत्व विभाग के संरक्षण में ये मंदिर है। स्टेम मैं दोबारा फिर सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जो लोग भी सरिस्का आते हैं, वो यहाँ इस मंदिर में जरूर आए, पूजा अर्चना करें। उधर हो रही मूर्ति, आप देखना। हाँ जी, जा रहा हूँ, मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ। कहाँ पर? भैरवनाथ के अच्छा भैरवनाथ के मंदिर है वो? अच्छा, एक मिनट, उधर से होके आते हैं ना, पीछे की तरफ करके, उस तरफ है ना, कितना दूर है? ये सामने है। ठीक है, गाड़ी चली जाएगी ना? ठीक है, ठीक है। ये आपको मंदिर के अलग भी दिखा रहे हैं। यहाँ भी मुगल काल के समय में इस मंदिर को खंडित किया था। ये उसी के अवशेष हैं जो टूटे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना प्राचीन मंदिर है। ये शिवलिंग है, कितने पुराने टाइम के। मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन किसी यूट्यूबर ने भी इस तरह के इसके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया होगा, ना इतने संक्षेप में बताया होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल एक वीरान गांव के अंदर कोने के अंदर पड़ता है, इसलिए लोग बाग ध्यान नहीं आते हैं। मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ जरूर आए। जब हम इतनी दूर आदि कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ जी, केदारनाथ जी हम जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्यों नहीं, उसी तरह की छटा यहाँ भी होनी चाहिए। खुशीराम मल्होत्रा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र आपसे प्रार्थना करता है, जैसे केदारनाथ जी के अंदर भीड़ होती है, सभी हिंदुओं से आग्रह है, यहाँ पर भी आके वही धूम यहाँ पर भी होनी चाहिए। ये बिल्कुल एकांतवास के अंदर पड़ता है, सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए और भगवान शिव के दर्शन, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अमरनाथ जी, केदारनाथ जी जाने के अंदर हम लोग इतना वो चीज़ करते हैं। ये देखिए,
बिल्कुल साक्षात भगवान शिव के, कितने अच्छे अद्भुत दर्शन। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा शिवलिंग पहली भी बार देखा है, और ऐसा ही शिवलिंग, इसी प्रकार का एक शिवलिंग मैंने बनमोर के अंदर हिमाचल प्रदेश में देखा था। चलते हैं दोस्तों, जय भोलेनाथ। ये इस गांव के देवी देवता हैं, और ये माता जी से ये लोगों को जल की सेवा कर रही हैं, करीब बता रही है 30 साल से भी ऊपर से। इससे पहले इनके पति यहाँ पर ये सेवा करते थे, वो चले गए हैं, अब ये सेवा करती हैं यहाँ पर, लोगों को जल का पानी का प्रबंध उनको करके देती हैं। ये देखिए, पुरातत्व विभाग वालों ने सब पे निशान लगा रखे हैं। ये देखिए, एक नई चीज मिली है, प्राचीन बावड़ी। पहले के टाइम के अंदर लोग बाग इसके अंदर पानी इकट्ठा करते थे बारिश के स्त्रोत्र के द्वारा। ये देखिए, हाँ जी, नदियों में से उतर करके वहाँ बैठ के नहाना पड़ता है, कुएं की तरह रहता है। अच्छा, अब ये पानी नहीं आता जी इसके अंदर? अब आता पानी, अभी भी है पानी, अभी भी बताते हैं इसके अंदर पानी है। चलो एक बार नीचे होके आते हैं। प्राचीन काल की बावड़ी नीलकंठ मंदिर के पास, यहाँ के लोग बाग बताते हैं यहाँ पर भी नीचे इसमें लोग बाग बैठ के नहाते थे पानी, और अभी भी इसमें पानी है। देखिए कितनी हजारों साल पुरानी ये बावड़ी है। ये देखिए इसको किस तरह बनाया होगा, ये देखिए, ये देखिए, अभी भी इसके अंदर ये पानी मौजूद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना ऊंचाई में जाके, कम से कम 60 फुट के आसपास होगा ये, इतनी ऊंचाई है इसकी। ये देखिए बावड़ी में आज भी पानी है, ये देखिए मैं कितनी ऊंचाई से आया हूँ। ये देखिए ऐसी जगहों को देख कर रोमांचित हो जाता हूँ, और मैं अपने साथ आप लोगों को भी ये एहसास कराना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अभी और आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी बावड़ी से ऊपर चढ़ के आया हूँ, थोड़ा सांस फूल रहा है, ये दिखाता हूँ आपको। ये भी प्राचीन एक मंदिर है जिसको खंडित कर दिया गया है। यहाँ के लोग बाग बताते हैं ऐसे यहाँ 360 मंदिर थे जिनको महाभारत काल के टाइम के अंदर स्थापित किया गया था। ये देखिए, ये मोर बैठे हैं यहाँ। इस मंदिर को खंडित कर दिया गया है। ये देखिए, कितने पुराने मंदिर हैं, मुगल कालीन वक्त समय में इनको खंडित कर दिया गया था। ये देखिए कितना प्राचीन विशाल शिवलिंग के अवशेष, ये देखिए खंडित किया हुआ है। ये देखिए कितना, जय भोलेनाथ। ये देखिए शिवलिंग है, खंडित कर दिया गया है। ये नीलकंठ मंदिर महाराज के पास ही ये सारे मंदिर और उनके अवशेष यहाँ पर हैं। एक बार यहाँ आके जरूर आप लोग भी जरूर आए यहाँ पर, भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये देखिए, यहाँ की कलाकृति देखिए, उस टाइम के अंदर हजारों साल पहले
किस प्रकार देखिए नक्काशी का काम है, एक से एक बढ़िया। दोस्तों उस मंदिर के बाद में मैं आपको लेके चल रहा हूँ, यहीं पर एक जैनियों का मंदिर भी है और जंगलों के बीच में से इसका रास्ता जाता है। ये देखिए वहाँ से करीब नीलकंठ मंदिर से 200 से 300 मीटर की दूरी पर ये मंदिर है। मेरे सीधे हाथ के पर देखिए पूरा जंगल है और यहाँ से हम ये मंदिर के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये रास्ता है, ये देखिए आराम से आना जी। ये मंदिर में हम पहुँच रहे हैं, आगे की वीडियो मंदिर में चलते हैं। ये बीच में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ का खेती का कैसे मचान बना रखी है यहाँ पर फिल्म स्टाइल में, जैसे फिल्मों में बनी होती है। और ये यहाँ के किसान यहाँ खेती कर रहे हैं, यहाँ का इनके मुख्य स्रोत खेती है, खेती के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। पूरा हरियाली और सामने देखिए, ये आपको एक दिखा रहा हूँ, ये आपको लग रहा है ये किला है, ये पास में ही एक किला है। ये देखिए ये उसकी बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है, जैसी आपको चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर भी नज़र आती थी। ये देखिए वो सामने, ये देखिए ये पहले के राजा महाराजाओं के टाइम के अंदर का ही यहाँ पर भी। चलते हैं थोड़ा आगे, ये मंदिर की तरफ रास्ता है, बीच बीच में कुछ अच्छे दृश्य आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हम आ गए हैं, महावीर स्वामी का एक मंदिर है, इसको भी खंडित कर दिया गया है। चल रहे हैं हम लोग यहाँ से, देखिए मेरी वीडियो देखने के बाद में जो भी पुरातत्व विभाग के हिसाब से जो हिस्टोरिकल जगह को देखना पसंद करते हैं वो यहाँ ज़रूर आएंगे। विशाल चबूतरे बने हुए हैं लेकिन उनको कुछ ठीक किया हुआ है। ये देखिए हाथियों की नक्काशी करी हुई, बहुत सारे चबूतरे हैं, मंदिर हैं जिनको तोड़ दिया गया था। ये महावीर स्वामी के ये मंदिर हैं, ये देखिए इसको खंडित कर दिया गया है, विशाल मूर्ति है। ऐसी तो नहीं कहूँगा कि यहाँ जितनी बड़ी अफगानिस्तान में थी, लेकिन बहुत ही विशाल बड़ी। जैन लोग धर्म के मानने वाले लोग भी यहाँ ज़रूर आए। ये देखिए बहुत भगवान महावीर जी की फ़ोटो, और ये देखिए यहाँ के आसपास के लोगों के रिहायशी। बहुत मेहनत से और उम्मीद से ये वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। ये देखिए ये पूरा का पूरा पुरातत्व विभाग के अंडर में है सारा कुछ इसका कामकाज। ये देखिए कितने विशाल, ये देखिए बहुत कुछ बना हुआ है। साथ के अंदर ही यहाँ पर बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में गांवों के अंदर खेती बाड़ी का काम चल रहा है, जगह जगह इन्होंने पुरातत्व विभाग में। ये देखिए उधर भी कुछ मंदिर का है, ये देखिए ये यहाँ पर भी कुछ अवशेष हैं और यहाँ की पहाड़ियाँ हरियाली। भगवान महावीर जी को प्रणाम करते हैं, बहुत पुराने। देखिए हिस्टोरिकल जगह, चलते सरकार ने ये मेड टाइप बना रखी है, इसके ऊपर से जाके ये पुरानी हिस्टोरिकल जगह पे जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था मैं यहाँ पर भी आ गया हूँ, ये भी आपको दिखाता हूँ।
ये किसानों ने, यहाँ बहुत सारे किसानों के एग्रीकल्चर, ये खेती का काम होता है, सभी ने मचान बनाई हुई है जानवरों और पक्षियों से अब इसको बचाने के लिए। ये देखिए जी, यहाँ आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये मंदिर है, उसके अवशेष हैं। ये बहुत पुराना मंदिर लग रहा है, उसकी पीछे की ये बतला रही है। और पूरे मंदिर को खंडित किया गया है, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। ये देखिए, वाह, कुछ इनके अवशेष यहाँ भी पड़े हैं, देखिए ये वाले। ये सब जो भी मैं आपको बतला रहा हूँ, ये के हैं। यहाँ पर पांडवों ने भ्रमण करते टाइम कई मंदिरों का निर्माण किया था अपने अज्ञातवास, और उसके बाद भी। अब यहाँ से मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, अभी बता रहे हैं कि यहाँ से कुछ आगे जाने के बाद में भैरवनाथ का भी एक मंदिर है, देखते हैं वहाँ, अगर अंधेरा नहीं होता तो वहाँ भी जाएंगे। अभी चल रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं इस टाइम शाम के, चलते हैं एक बार। दोस्तों, अभी नीलकंठ महादेव के दर्शन के बाद में मैं अब आया हूँ भैरवनाथ जी के मंदिर में। ये यहाँ के पुजारी हैं, ये देखिए जी, ये भैरवनाथ जी के ये पुजारी हैं मेन, ये पूजा चल रही है इनकी, ठीक है। यहाँ आके अपने पूजा अर्चना कीजिए। भैरव बाबा नाराज हो गए। ये दोस्तों रास्ते के बहुत ही अच्छे दृश्य हैं, बहुत हाइट पे हम लोग इस टाइम, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मोर, मोरों की आवाज़, मोरों का नृत्य। ये देखिए जंगल घाटी बिल्कुल। कितना हम नीचे से ऊपर आए हैं, ये देखिए कितनी ऊंचाई पे हम लोग इस टाइम। ये यहाँ के नीचे छोटे छोटे गांव हैं दूर दूर तक, और ये रास्ता नीलकंठ महाराज जी को जा रहे हैं। ये देखिए मोर, इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा मोर है, इसी रास्ते से हम नीचे से आए थे। ये देखिए पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच गांव से। दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं नीलकंठ मंदिर से आगे, जयपुर रोड पे जा रहे हैं, और देखिए पूरे जंगल के बीच में से हम लोग जा रहे हैं, पूरा जंगल का एरिया है। और यहाँ बीच बीच में कभी कभार कोई एक आधा ट्रैफिक नज़र आ रहा है यहाँ पर, और हम लोग जा रहे हैं जयपुर रोड की तरफ। यहाँ से 3 घंटे का रास्ता भी हमारे को दिखा रहा है, ये पूरा जंगल का एरिया है। ये देखिए सब तरफ ये सारा जंगल का एरिया चल रहा है।